हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगा संत के चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर व्यक्ति के साथ होता है और हर व्यक्ति यह सोचता है कि मेरा जब वक्त आएगा, जब मेरा सिचुएशन ठीक होगा, तब मैं भी दिखा दूंगा इसे। हम बात कर रहे हैं एक दूसरे के सपोर्ट के बारे में, बात कर रहे हैं एक दूसरे के सहयोग के बारे में। दोस्तों, जब आप एक दूसरे को सहयोग नहीं देते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं, एक समय क्या होता है कि जब व्यक्ति उस स्थिति से बाहर निकल जाता है और वह समृद्ध हो जाता है और वह व्यक्ति जो उसकी मदद नहीं कर रहा होता है, तब उन दौरान क्या होता है कि जो व्यक्ति सफल हो गया, वह अपनी परिस्थिति में किस किस तरीके से झेला और किन किन परिस्थितियों से वो गुजरा, वह सिर्फ उसे ही अनुभव होता है। लेकिन जो उसके साथी, सहयोगी और बाकी लोग थे, वह मदद कर सकते थे, लेकिन उसकी उस दयनीय स्थिति को देख करके उन्होंने मदद नहीं की। अंततः उसके अंदर एक ताकत, एक जुनून और इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए वह लगातार प्रयास करने लगा और करता रहता है जब तक कि निकल ना जाए। जब वह निकल जाता है तो उन लोगों को वह नहीं पूछता है, उन लोगों का साथ नहीं देता है, या फिर उनकी कैसी भी स्थिति आ जाए, उनके सपोर्ट में नहीं जाता है। फिर वही लोग, जो लोग उसकी दैनिक स्थिति में उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे या उससे सहयोग नहीं करते थे, वह उसे ताना मारते कि पैसा वाला बन गया है, समृद्ध बन गया है, अपने आप को सेठ समझता है। तो इन तरह की चीज़ों में क्या करता है कि उसे ताना मारता है। ताना इसलिए मारता है वह कि वह सोचता है कि अब ये समृद्ध बन गया है तो हो सकता है ताना मारने की वजह से वह कुछ सपोर्ट करे। लेकिन आप खुद सोच करके देखिए कि जब एक व्यक्ति दयनीय स्थिति में होती है, जब आप उसकी मदद नहीं करते हैं और वह तड़पता है, बिलखता है, लेकिन अपनी स्थिति से वह बाहर निकल जाता है, फिर आपका वह मदद नहीं करता, तो आप खुद सोच करके देखिए, जब आप उस व्यक्ति की दयनीय स्थिति में मदद नहीं करेंगे और वह खुद किसी भी तरीके से वह उस स्थिति से बाहर निकलता है और फिर वह आपको नहीं पूछता है, तो आप लोग उसे ताने मारते हैं, यही बात कहते हैं कि सेठ हो गया है, घमंडी हो गया है। आखिर ये बात बताइए कि घमंडी वह क्यों नहीं होगा? जिन जिन लोगों ने उसका साथ दिया, उनके सपोर्ट में तो खड़ा है ना। या फिर जो ऐसे लोग थे जो उसके उस स्थिति में न्यूट्रल थे, लेकिन आप लोगों ने उसके दयनीय स्थिति का मजाक उड़ाया, उसके साथ व्यवहार गलत किया, फिर उसके बाद जब वो सफल होता है तो आप फिर उम्मीद लगा करके बैठते हैं कि ये हमारी मदद करेगा। फिर आप वही लोग जो कि उसकी निंदा करते हैं, आप उसके पास जाते हैं भीख मांगने के लिए, मदद मांगने के लिए, तो वह मदद कैसे करेगा? क्या आपने उसकी उस स्थिति में मदद किया था? नहीं किया था। क्यों नहीं किया? क्योंकि आपको लगता था कि ये कुछ कर नहीं पाएगा। देखिए, हर व्यक्ति के अंदर वह संभावनाएं होती है कि वह अपनी स्थिति से बाहर निकल जाए, और जिस तरह से बट वृक्ष का छोटा सा बीज होता है, उसके अंदर एक विशाल बट वृक्ष छुपा हुआ होता है, उसी तरह से हर मनुष्य के अंदर एक विशाल बट वृक्ष छुपा हुआ होता है। कब किस स्थिति में, परिस्थितियों में उसे किस तरह का पोषण मिलेगा, किन तरीकों से वह बाहर निकलेगा, ये उसके ऊपर डिसाइड है।